आपने पूछा क्या कोई ऐसी मुद्रा है जिसे करने से हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकें, शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकें। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक विशेष मुद्रा जिसे हम कहते हैं आदि मुद्रा। आदि यानी कि फर्स्ट, पहली मुद्रा जो हम मनुष्य जीवन में आने के बाद सीखते हैं, या मनुष्य जीवन में आने से पहले ही माँ के गर्भ में ही ये मुद्रा बनाना सीख जाते हैं। आपने देखा होगा छोटा बच्चा कैसे इस तरह से अपनी मुट्ठी को बंद रखता है, यही है आदि मुद्रा। कैसे बनाना है? आपकी जो छोटी वाली उंगली है, लिटिल फिंगर, उसके बेस पर अपने अंगूठे को लगाना है और बाकी चारों उंगलियों को इस तरह से बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से उंगलियों को नहीं दबाना है, आराम से। ये मुद्रा लगाने से आपके शरीर के जो पांचों तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इन पांचों की एनर्जी एक साथ मिल जाती है और आप अपने शरीर में महसूस करते हैं प्राणों के प्रवाह को। प्राण यानी प्राण वायु, जिसे हम साइंस में ऑक्सीजन कहते हैं। आदि मुद्रा लगाने से आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आपके लंग्स बहुत मजबूत बनते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, और सबसे बड़ा बेनिफिट, आपका नर्वस सिस्टम एकदम काम हो जाता है, आपका मन और मस्तिष्क एकदम शांत हो जाता है। आदि मुद्रा का अभ्यास आप रोज़ाना करें, सुबह के वक्त कर सकते हैं, शाम के वक्त कर सकते हैं। इसका अभ्यास आप प्राणायाम के साथ भी कर सकते हैं या अलग से भी। आधा घंटा डेली इसका अभ्यास करें, एक बार में नहीं बैठ पाते हैं तो 15-15 मिनट दो बार में आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको मुद्रा बनानी है और इस तरह से रखना है, यानी जो आपकी मुट्ठी है वो आसमान की तरफ फेस करती हुई रहेगी। दोनों हाथों से मुद्रा बनाएं, घुटनों पर रख दें, आंखें बंद कर लें और लंबा गहरा सांस लें। इस तरह से मुद्रा बनाकर आप लंबे गहरे सांस लेते रहें, डीप ब्रीदिंग करते रहें। मुद्रा का अभ्यास करते ही आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे और आपके लंग्स फौलाद से भी मजबूत बन जाएंगे। तो डेली इस मुद्रा का अभ्यास करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।